गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे भाई कि प्रमुख तत्व, उनके गुण और उनसे बनने वाले यौगिक के जो प्रमुख गुण एवं विशेषताएं होती हैं, उसमें हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लिया है भाई। इससे पिछली वीडियो में हमने उसी के यौगिक यानी कि हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में पढ़ा और वो लास्ट था भाई। उसके बारे में और ज्यादा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग लगभग यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो आज एक नया परमाणु पढ़ने वाले हैं या तत्व पढ़ने वाले हैं और उसके यौगिक विशेषताएं और उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं सोडियम को। सोडियम के बारे में एक दो बातें आप जरूर जानते होंगे भाई कि इसे वायु में नहीं रखा जा सकता, खुले हुए किसी जार में नहीं रखा जा सकता, इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये हम देखेंगे। इसे जो सोडियम धातु होती है आपकी इतनी सॉफ्ट होती है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं भाई आपको वीडियो ये कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये चीजें पहुंच पाए। देखते हैं देखो हम क्या क्या पढ़ सकते हैं भाई इसमें। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखाया था वर्ग एक या फिर फर्स्ट ए में किसे रखा गया है भाई, क्षार धातु। किसे रखा गया है, क्षार धातु। इन्हीं को हम पढ़ रहे थे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हमने कहा था कि इन तत्वों को पढ़ना है सबसे पहले। इसमें सबसे पहले हमने किसे पढ़ा भाई, हाइड्रोजन को पढ़ लिया। अब इसके बाद किसका नंबर है, लिथियम का। तो देखो सभी तत्वों के बारे में पूरी डिटेल हम नहीं पढ़ने वाले, केवल जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अगर 118 के 118 तत्वों को हम पढ़ने लगे तो शायद सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। गिनी चुनी 8-10 तत्व हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और ज्यादा नहीं। देखो लिथियम से संबंधित एक दो क्वेश्चन आप लिख लें, फिर हम सोडियम पर आते हैं भाई, सही है। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे हल्की धातु यही है भाई, क्योंकि इससे पहले हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों के दोनों क्या हैं, गैसें हैं। ये क्या है भाई, गैसें और अधातु कह सकते हैं आप, तो ये धातु नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं आप सबसे पहली धातु कौन सी है भाई, लिथियम। क्लियर है। और इसका आकार भी सबसे छोटी धातु कौन सी है आपकी, तो वो भी यही होगी। तो ये दो तीन बातें हैं आपको याद रखनी है। और ये एक प्रबल अपचायक होती है भाई। कैसी होती है, प्रबल अपचायक। हम पहले पढ़ चुके हैं इन गुणों के बारे में, मैं बार बार नहीं बता रहा, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और देखो क्या देख सकते हैं हम इसके बारे में, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी उस रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर, उसमें लिथियम को सबसे ऊपर रखा गया था। कहां रखा गया था भाई, सबसे ऊपर रखा गया था। और आप जानते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 2s1 होता है, सही है। और इसे पहले वर्ग में या फर्स्ट ए क्षार धातुओं में रखा गया है। क्षार धातुओं में सबसे पहला या सबसे हल्का तत्व है, ये भी लिख दें आप, क्षार धातुओं का सबसे पहला या सबसे हल्का तत्व यही है भाई। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इसकी। और अत्यधिक क्रियाशील होता है, ये क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो ये दो तीन बातें हैं आपको याद रखनी है लिथियम से, और ज्यादा हम कुछ नहीं पढ़ रहे थे। क्लियर है। इसके बाद आप हेडिंग लिख दें सोडियम। हम देख रहे हैं देखो सोडियम को, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी हैं और पूछे जाते हैं अभी। बहुत सारे यौगिक हैं, इसके गुण और इससे संबंधित अन्य तथ्य भी हमें बहुत पढ़ने हैं। तो आप हेडिंग लिखें सोडियम या सोडियम तत्व।
तो मैं इसे रख कर देता हूं, देखो फिर बाकी के बाद में पढ़ेंगे हम। क्लियर है भाई? तो देखते हैं, देखो सोडियम के बारे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं या फिर जो पहले पूछी जा चुकी हैं भाई। सही है? तो देखते हैं, देखो सोडियम, या फिर आप लिख सकते हैं इंग्लिश में भी इसे सोडियम ही कहेंगे भाई। तो देखें, अगर इसके प्रतीक की बात करें, हर छोटी से छोटी बात पर हम ध्यान देंगे इसके, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। इसका प्रतीक क्या होता है भाई? Na। अब एक बात समझने की कोशिश करें, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर ओ होता है तो वो उसका प्रतीक होता है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर एन होता है तो उसका प्रतीक एन होता है। सही है भाई? इसी प्रकार से लिथियम के फर्स्ट दो लेटर होते हैं, हीलियम के फर्स्ट दो लेटर होते हैं प्रतीक उसके, हाइड्रोजन का पहला लेटर प्रतीक होता है। तो इसी प्रकार से सोडियम का या तो पहला लेटर या पहले दो लेटर इसके प्रतीक के रूप में होने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि सोडियम का तो इससे कोई मेल हो ही नहीं रहा भाई, सोडियम में तो Na कहीं आ ही नहीं रहा। फिर सोडियम में Na ये प्रतीक कहां से आ गया? तो आपको याद रखना है, सोडियम का लैटिन भाषा में, सोडियम का लैटिन भाषा में जो नाम होता है वो होता है नाम नैट्रियम होता है भाई। क्या होता है? नैट्रियम। तो आप लिख सकते हैं इसका नैट्रियम नाम होता है लैटिन भाषा में, और नैट्रियम का Na ही कहां पर लिया गया है? प्रतीक के रूप में। तो ये लाइन क्लियर हुई होगी आपको, और याद रखेंगे, देखो अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अगर इसके परमाणु भार की बात करें या फिर परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं आप, तो लगभग 22.997। कितना होता है भाई? 22.997, या लगभग कितना कह सकते हैं? 23 इसका परमाणु भार होता है। क्लियर है भाई? अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो देखो साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? 281। कितना होगा? 281। अगर अफबाऊ के नियम के अनुसार लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये होगा, और इसी से हम पता लगा सकते हैं भाई कि आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? क्लियर है? क्योंकि पहले मैं आपको सिखा चुका हूं भाई कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में उसका स्थान कैसे निकाला जाता है। तो देखेंगे, देखो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है भाई? एस ऑर्बिटल में। तो ये एस ब्लॉक का तत्व होगा। सही है? इससे यही तो जानते हैं भाई, किस ब्लॉक का तत्व होगा? ये एस ब्लॉक का। और इसके बाद देखेंगे, देखो इसकी बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? 3। और बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? आवर्त। क्या दर्शाती है भाई? पीरियड को। पीरियड कितना होगा इसका? 3। अगर वर्ग संख्या की बात करें, किसकी बात करें भाई? वर्ग संख्या, तो मैंने आपको बताया था अगर तत्व एस ब्लॉक का है, अगर एस ब्लॉक का है तो या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो, क्योंकि एस ब्लॉक में दो ही वर्ग हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। तो ये कौन से वर्ग का होगा भाई? अभी पीछे भी लिखा था हमने, प्रथम वर्ग। किसका होगा भाई? प्रथम वर्ग, या प्रथम वर्ग को फर्स्ट ए के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ए के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ प्रमुख जानकारियां हैं आपको याद रखनी है इससे संबंधित। और देखो क्या क्या हम जान सकते हैं, एक बात नोट करके लिखें, ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी ये जो सोडियम है, ये अत्यधिक कैसा होता है भाई? अत्यधिक क्रियाशील होता है। कैसा होता है? अत्यधिक क्रियाशील। और इसी कारण प्रकृति में संयुक्त रूप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? संयुक्त रूप में। कभी भी आपको मुक्त अवस्था में कहीं भी देखने आपको नहीं मिलेगा भाई, सदैव कैसा देखने को मिलेगा? संयुक्त अवस्था में किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। और जनरली इसका जो रूप देखते हैं हम समुद्र में, नमक के, समुद्र का जल जो खारा होता है, नमक, तो नमक में मुख्य रूप से यही पाया जाता है भाई, NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। और NaCl में Na क्या होता है? सोडियम। तो याद रखेंगे,
अगर इसके निष्कर्षण की बात करें, निष्कर्षण का मतलब है जिन तत्वों में यह पाया जाता है उसे शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त किया जाता है, तो दो विधि आपसे पूछी जाती हैं, तो उन दोनों विधि को हम लिख रहे हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा भाई, मैं रफ कर रहा हूं, देखो तो आप लिख सकते हैं, देखो सोडियम का निष्कर्षण, तो सोडियम का निष्कर्षण दो विधि से होता है। सोडियम धातु का निष्कर्षण, सोडियम धातु का निष्कर्षण तो देखेंगे देखो कितने प्रकार से होता है, दो विधि से। पहली विधि है कास्टनर विधि, कास्टनर विधि, और दूसरी विधि है डाउन विधि। कौन सी है भाई? डाउन विधि, डाउन विधि। तो ये दो विधि हैं, इन दोनों विधि से क्या प्राप्त होता है? सोडियम। और किन किन से? देखो याद रखें, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या प्राप्त करते हैं? Na। लेकिन ये जो विधि है एक विद्युत अपघटनी विधि है। कैसी है भाई? विद्युत अपघटनी विधि। अब तो आपको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि विद्युत अपघटनी विधियां क्या होती हैं। मैंने बताया था जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर केमिकल रिएक्शन होती है भाई, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, यानी कि विद्युत अपघटनी विधि। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और डाउन विधि में क्या होता है भाई? इसमें नमक लिया जाता है, सही है, इसे पिघलाकर इससे क्या प्राप्त किया जाता है भाई? सोडियम तत्व प्राप्त किया जाता है। तो दोनों ही विधि में हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? सोडियम। कास्टनर विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जबकि डाउन विधि में नमक से प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर है भाई? तो यही एक दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कभी कभी पूछी जा चुकी हैं भाई, तो आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त सोडियम की कुछ प्रमुख गुण या विशेषताएं कह सकते हैं होते हैं भाई, सोडियम के या प्रतीक ही लिखते हैं। देखो अब तो याद हो गया होगा भाई, सोडियम की विशेषता क्या क्या होती है। देखो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, सोडियम की सबसे पहली विशेषता तो ये धातु है भाई। क्या है? धातु। और कैसी धातु है? क्षार धातु। कैसी धातु है? क्षार धातु। क्षार धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड वो कैसे होते हैं भाई? क्षारीय। कैसे होते हैं ऑक्साइड? क्षारीय। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? क्षार धातु। और ये जल के साथ हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। क्या बनाता है भाई? हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोक्साइड है वो भी कैसा होता है? क्षारीय। हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है? क्षारीय। तो इसका ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं भाई? क्षारीय होते हैं। इसीलिए इसे कहां रखा गया है? क्षार धातुओं के अंतर्गत रखा गया है। तो इतनी लाइनें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद देखो और क्या गुण इसके हम देख सकते हैं। अगर सोडियम की हम बात करें तो अगला गुण हम देख सकते हैं भाई, जो सोडियम धातु होती है बिल्कुल चांदी की तरह, जो चांदी होती है भाई, चांदी की तरह बिल्कुल सफेद होती है। जैसे चांदी आपने देखी है सफेद, बिल्कुल चांदी की तरह सफेद और चमकदार होती है। तो याद रखना, बिल्कुल चांदी की तरह सफेद चमकदार होती है सोडियम धातु। और दूसरी बात आपको याद रखनी है भाई, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम होती है। जैसे आपने देखा है लोहा, लोहा भी एक धातु है, क्या चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? नहीं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जितनी भी आप देखते हैं धातुएं, उन्हें आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता। लेकिन ये इसका अपवाद है भाई, ये इसका अपवाद है। जैसे आप पनीर को या मक्खन को चाकू से आसानी से काट देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये इतनी मुलायम होती है कि चाकू से इसे काटा जा सकता है, चाकू से इसे काटा जा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं भाई। अगला देखेंगे, देखो और क्या क्या इससे पढ़ सकते हैं भाई। ये जो सोडियम धातु होती है एक प्रकार की धातु है, तो ये क्या होगी भाई? ये विद्युत की चालक होती है, आपको याद रखनी है। लेकिन कुछ विलायक हैं जिनमें ये आसानी से भूल जाती है। सोडियम धातु कुछ पदार्थों में या कुछ विलायकों में आसानी से भूल जाती है, जैसे बेंजीन हो गया आपका, बेंजीन में बहुत आसानी से भूल जाएगी। ईथर हो गया आपका,
ईथर में जैसे जल में चीनी घुल जाती है नहीं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आप सोडियम धातु को बेंजीन में डालोगे या फिर ईथर में डालोगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ इसके गुण हैं और ये भौतिक गुण हैं भाई, विशेषता कह सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी, और ये कैसे गुण हैं, भौतिक गुण। इसके साथ साथ इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी को भी हम देख लेते हैं, उससे भी बनलाइन क्वेश्चन बन जाता है भाई कभी कभी। तो मैं इसे रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, नहीं तो नोट कर सकते हैं इन चीजों को। क्लियर है इतना? अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, हम उसे देखेंगे, और अगर चेंज करने की संभावनाएं होंगी तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो कमेंट जरूर किया करें भाई कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। आप वीडियो देखते हैं और देखकर चले जाते हैं, सही है। देखेंगे, आप हेडिंग लिख सकते हैं रासायनिक गुण, कैसे है? रासायनिक गुण। तो सबसे पहला रासायनिक गुण तो यही है कि अगर वायु शुष्क है, शुष्क वायु हो या फिर शुष्क ऑक्सीजन, तो इसमें ये निष्क्रिय होती है। इसमें सोडियम धातु क्या होती है भाई, निष्क्रिय, यानी कि रिएक्ट नहीं करती है। अगर वायु में नमी नहीं है और ऑक्सीजन कैसी है, बिल्कुल शुष्क, जल में या जल वाष्प में घुली हुई नहीं है, तो सोडियम धातु उससे अभिक्रिया नहीं करती है। क्लियर है? लेकिन यदि वायु नमी युक्त है, वायु कैसी है, नमी युक्त है, तो नमी में क्या होता है भाई, जल, लेकिन कम मात्रा में होता है। वाटर क्या होता है, कम मात्रा में होता है, तो नमी से यह अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद सोडियम का ऑक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड। याद रखेंगे, नमी में वायु से अभिक्रिया करने के बाद, यानी कि ऑक्सीजन से सोडियम जब अभिक्रिया करता है, तो करने के बाद सोडियम का ऑक्साइड बनता है, सोडियम का ऑक्साइड। क्लियर है भाई, सोडियम ऑक्साइड कहते हैं इसे। और जैसे ही सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, सही है, ये जल वाष्प से अभिक्रिया कर लेगा। ये क्या है भाई, जल वाष्प, क्योंकि आप जानते हैं वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प होती है, तो ये जल वाष्प से अभिक्रिया करेगा, और करने के बाद सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, फिर ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, वायु में उपस्थित, क्योंकि आप जानते हैं 0.04% वायु में क्या है, CO2, तो CO2 से अभिक्रिया करता है और सोडियम का कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है भाई, सोडियम का कार्बोनेट। तो आप याद रखेंगे, तो वायु, और वायु में देखो नमी होती ही है, जल वाष्प भी होता है, CO2 भी होता है, और यही कारण है कि यह अभिक्रिया कर लेता है और इसकी सतह नम हो जाती है, गंदी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। इसी कारण इसे केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है। सोडियम को कहां रखा जाता है, वायु में ना रखकर केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल का मतलब है मिट्टी का तेल, इसमें मिट्टी के तेल में। क्लियर है भाई, किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। तो ये लाइन आपको समझ में आई होगी। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से समझेंगे, जो सोडियम धातु होती है वो जितने भी अम्ल होते हैं वो कोई सा भी हो, H2SO4 हो, HCl हो, HNO3 हो, उनसे अभिक्रिया कर लेता है और लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। क्या करता है भाई, हाइड्रोजन गैस उससे रिलीज होती है। कैसे, आप देखेंगे, देखो ध्यान से, सोडियम का सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, ये जो दिखाई दे रही है, ये ऐसी की ऐसी ही इससे निकल जाएगी। और भी एक दो एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, जैसे सोडियम अगर HCl से अभिक्रिया करता है तो नमक NaCl बनता है भाई, और यहां से कौन सी गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन। और भी देख सकते हैं, देखो अगर सोडियम की HNO3 से अभिक्रिया कराई तो सोडियम नाइट्रेट और यहां से कौन सी गैस निकल जाती है,
हाइड्रोजन गैस, तो आप देख सकते हैं देखो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रहे थे तब भी ये चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी। और देखो छोटी छोटी बातें हैं आप याद रख सकते हैं। अगला, अगर सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराएं, सोडियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और यहां से क्या निकलती है भाई, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अगला देखेंगे, यदि सोडियम को क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जाए, सोडियम को क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जाए तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनता है। और अगला कह सकते हैं आप, सोडियम को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो सोडियम का कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोनेट। अगर इसके स्थान पर आप क्या ले लें, अमोनिया, इसके स्थान पर आप क्या ले लें, अमोनिया NH3, तो ये बनता है NaNH2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं भाई? सोडामाइड बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे सोडामाइड कब बनता है, जब सोडियम की अभिक्रिया अमोनिया गैस से कराई जाती है, जब सोडियम की अभिक्रिया अमोनिया गैस से कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप NaNH2 सोडामाइड बनता है और बहुत ही उपयोगी पदार्थ होता है। तो याद रख सकते हैं, देखो इतनी ये कुछ छोटी सी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, एक दो आपको याद रखनी है भाई। ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसे केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वायु में ये सोडियम कार्बोनेट बना लेता है विभिन्न पदों में अभिक्रिया करके, इसीलिए इसे कहां रखना पड़ता है भाई, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। इतना क्लियर है या नहीं ये बताइए। क्लियर है भाई, चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके कुछ प्रमुख उपयोग हैं, इसके कुछ प्रमुख उपयोग हैं जहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। देखेंगे, देखो हेडिंग लिख सकते हैं इसके उपयोग, इसके उपयोग, और उपयोग में सबसे पहला आप लिखेंगे इसका प्रयोग कुछ संश्लेषित अभिक्रियाओं में किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? संश्लेषित अभिक्रियाओं में। तो जब हम पढ़ेंगे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब मैं आपको बताऊंगा कुछ पदार्थों का संश्लेषण करने में किया जाता है। सही है? जैसे इसकी उपस्थिति में ही मेथिल क्लोराइड से सोडियम की उपस्थिति में ही एथेन बनता है, CH3CH3। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रिया है, तो आपको नहीं जाननी भाई, आप ये याद रखो संश्लेषित का मतलब है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जिसमें नए दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर हम क्या करते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, तो उन्हें संश्लेषित अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसका प्रयोग उनमें किया जाता है। अगला देखेंगे प्रबल अपचायक के रूप में, प्रबल अपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अपचायक के रूप में। ये लाइन में आपको पहले भी समझा चुका हूं, क्यों? क्योंकि सोडियम प्रबल वो होता है धन विद्युती, और धन विद्युती होने के कारण यह शीघ्रता से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अगर यह शीघ्रता से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका क्या हो गया भाई, ऑक्सीकरण। अरे ये वाली बात तो अब समझ में आती होगी, ऑक्सीकरण संख्या जीरो से बंद हो गई, और जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तब वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होने के कारण ये किसका कार्य करेगा भाई, अपचायक का, यानी कि खुद तो इसका ऑक्सीकरण हो गया लेकिन दूसरे पदार्थ का क्या कर देगा, ये अपचयन कर देगा, दूसरे पदार्थ का क्या कर देगा, ये अपचयन कर देगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है भाई। और एक बात और याद रखना, एक पदार्थ होता है TEL, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं हम, इसका नाम है टेट्रा एथिल लेड। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है, जो पेट्रोल होता है उसमें अपस्फोटन रोधी पदार्थ है ये, पेट्रोल में इसे मिलाया जाता है किसके लिए, अपस्फोटन रोधी, ताकि उससे आवाज ना हो। सही है? तो उसके अपस्फोटन रोधी पदार्थ के रूप में TEL यानी कि टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो टेट्रा एथिल लेड है इसके बनाने में सोडियम
और लेड की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेड मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, सोडियम को लेड के साथ मिलाकर TeL बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है भाई? तो ये एक दो बातें हैं। एक दो और जो परमाणु संयंत्र होते हैं भाई, जो परमाणु संयंत्र होते हैं जिनमें यूरेनियम या अन्य रेडियो एक्टिव पदार्थों की सहायता से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, वो बहुत हीट हो जाते हैं एकदम, क्योंकि परमाणु में लगातार अत्यधिक ऊर्जा, अपार ऊर्जा, जब यूरेनियम का विघटन होता है तो अपार ऊर्जा बनती है भाई, उससे एकदम ये जो संयंत्र होते हैं बॉयलर, वो एकदम गर्म हो जाते हैं बहुत हीट, तो उन्हें ठंडा रखना पड़ता है। बर्फ से भी आसानी से उन्हें ठंडा नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? इतने गर्म होते हैं, जैसे ही बर्फ उनसे टच होता है एकदम भाप बनकर उड़ जाता है, एकदम भाप बनकर उड़ जाता है, इसीलिए बर्फ का प्रयोग वहां पर नहीं किया जाता है। तो ये जो परमाणु संयंत्र होते हैं इन्हें ठंडा रखने के लिए द्रव सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव सोडियम का। तो आप याद रखना। और देखो, इसी प्रकार के परमाणु संयंत्र की एक अभिक्रिया एक दो दिन पहले और बताई थी मैंने आपको, कि जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O, जो न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें मंद करने के लिए, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जबकि पूरे संयंत्र को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव सोडियम का। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी भाई, और ये हमने पढ़ी, ये कुछ प्रमुख उपयोग हैं इसके, और भी बहुत सारे हैं लेकिन सब नहीं पढ़ सकते भाई, व्यर्थ है हमारे लिए। जो हमारे पूछे जा चुके हैं या फिर जिससे संबंधित कोई बात ऐसी है जो पूछे जाने लायक है, तो उन्हीं को हमने पढ़ा है भाई। क्लियर है? और अगले वीडियो में सोडियम के हम यौगिक पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं भाई, और लाइक करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम मुख्य रूप से 9th 10th की विज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं भाई NCERT हिंदी में, और 11th 12th की केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं हिंदी में NCERT। तो आप उन बच्चों की भी सहायता कर सकते हैं, आप हर किसी को रिश्तेदारी में, आस पड़ोस, जिस किसी को भी जानते हैं ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और लिख सकते हैं भाई अगर आपके यहाँ कोई भी स्टूडेंट 9th to 12th पढ़ने वाला है तो आप उस चैनल, इस चैनल के माध्यम से उसे पढ़ा सकते हैं। क्लियर है भाई? धन्यवाद।